ममता बनर्जी की दिल्ली आते ही सद्दी बन जाते हैं और बंगाल जाते आम लोगों की ऊपर दहशत करना शुरू कर देते हैं। सी इज प्लेइंग सेंट इन दिल्ली बट एक्चुअली हर पार्टी इज प्लेइंग डेविल इन बंगाल। जब दिल्ली आती है ममता बनर्जी स्वाधी बन जाती है, कलकत्ता उतरते ही बस उनका अपना रूप निकल जाते हैं और इसका गवाह सारे बंगाल की रोज की रोजाना जो घट रहे हैं बंगाल में कोने कोने में, इसमें ये शख्स जाहिर होते हैं। पश्चिम बंगाल में जारी हिंसक घटनाओं को लेकर अब कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या के बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी के खिलाफ एक बड़ा कदम उठा दिया है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर, मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में लगातार हिंसा का दौर जारी है, इन सब के बीच अब कांग्रेस पार्टी के ही नेता पश्चिम बंगाल में अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अधीर रंजन चौधरी ने न सिर्फ ममता को बेनकाब करने का काम किया है, बल्कि अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी लेटर लिख दिया है। जी हां, पश्चिम बंगाल में लगातार बढ़ती हिंसा को लेकर और अब कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या के बाद अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र लिखा है, जिसमें ममता बनर्जी के शासन में पश्चिम बंगाल में किस तरीके से कानून व्यवस्था ध्वस्त हो रही है, किस तरीके से तानाशाही सरकार चल रही है, इस पूरे घटना को लेकर अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अधीर रंजन चौधरी ने लेटर लिखा है। लेकिन वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर हमला बोला और कहा कि दिल्ली आते ही ममता बनर्जी संत बन जाती हैं, लेकिन बंगाल में वो शैतान हैं और बंगाल में अघोषित आपातकाल है, तानाशाही का स्वरूप रोज देखने को मिलता है। उन्होंने कहा कि चुनाव में अगर कोई विपक्ष का कार्यकर्ता ममता बनर्जी की पार्टी में शामिल नहीं हुआ तो उसे मौत के घाट उतार दिया गया। तो ये बड़ा आरोप है अधीर रंजन चौधरी का, जो उन्होंने ममता बनर्जी उनकी सरकार पर लगाया है। लेकर अधीर रंजन चौधरी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, किस तरीके से ममता बनर्जी उनकी सरकार को शैतान बताते हुए तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप अधीर रंजन ने ममता बनर्जी पर लगाया है, सुनिए। इसलिए बंगाल में हमें जिस तरह की अराजक स्थिति की सामना करना पड़ रहे हैं, चाहे चुनाव हो या चुनाव ना हो, चुनाव होने के पहले बंगाल में पंचायत चुनाव हुई थी, नगर पालिका चुनाव हुई थी, हमें वोट देने का मौका नहीं मिला, नामांकन भरने भी मुश्किल होने पड़े हमें, और चुनाव के बाद, चुनाव के दिन, चुनाव के पहले, चुनाव के बाद लूट और लूट, जबरदस्ती चुनाव को, चुनाव में जीत हासिल किए जाते हैं और उसके बाद पंचायत गठन करने के लिए भी इस तरीके की दहशतगर्द बंगाल के रीति रिवाज बन चुके हैं। और जिस दिन ये लोकसभा चुनाव हुई थी उस समय भी, उसके पहले भी, ये जो दहशतगर्द ये बंगाल में बिल्कुल उसी तरह ही थी। चुनाव के दिन हो सकते कोई केंद्रीय वाहिनी की जो फोर्स, सेंट्रल फोर्सेस तैनात की चलते कुछ जगह वोट जरूर हुई थी, लेकिन ये हम दावे के साथ नहीं कह सकते कि बंगाल में हर जगह चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुआ था जी। ये नहीं, बंगाल में हर जगह शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव नहीं हुई होता, इसलिए कि चुनाव के दिन जिस तरीके की हिंसा और दहशतगर्द की माहौल बंगाल में पैदा हुआ था, ये सारे आपका कैमरे के अंदर ही है। अच्छा, चुनाव खत्म होने के बाद इतने सारे सीट जीत हासिल कर चुके हैं, फिर भी दहशतगर्द करने के लिए उनका कोई रोकथाम नहीं दिखते थे। जहां जहां विपक्ष लोगों की कोई नुमाइंदे होते हैं, चाहे पंचायत लेवल पे, ये नगर पालिका लेवल पे, जबरदस्ती उनको पार्टी में शामिल किया जाता, पुलिस से डरा के, धमका के, मार के, पीट के, लालच दिखा के चलते रहते हैं। जहीं कोई बात अगर नहीं सुनते तो उनकी मौत की घाट उतार दिया जाते हैं, जैसे कि जलपाईगुड़ी में घटना घटी। हमारे पार्टी के वर्कर पेड़ में बांध कर उनको जिस तरह बेरहमी से पीटते पीटते उनको हत्या किए गए, ये सारे आपका निगाहों में आए। ये बंगाल में कोने कोने में इस तरह की दहशतगर्द की
तस्वीर रोजाना हमें आपको सबको मिलता है। तो इस हालात में मुझे लगा कि यहां आके बड़ी बड़ी तो बात करते हैं, ममता बनर्जी की दिल्ली आते ही सद्दी बन जाते हैं और बंगाल जाते आम लोग ही ऊपर दहशत करना शुरू कर देते हैं। सी इज प्लेइंग सेंट इन दिल्ली बट एक्चुअली हर पार्टी इज प्लेइंग डेविल इन बंगाल। जब दिल्ली आती है ममता बनर्जी स्वाधी बन जाती है, कलकत्ता उतरते ही बस उनका अपना रूप निकल जाते हैं और इसका गवाह सारे बंगाल की रोज की रोजाना जो घट रहे हैं बंगाल में कोने कोने में, इसमें ये शख्स जाहिर होते हैं। आपने अपने लेटर में कहा है कि अघोषित आपातकाल, हाँ अघोषित आपातकाल तो है बंगाल में, आज से नहीं बहुत दिन से है, बार बार कहा है ये। विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं है वहाँ पर, नहीं है, करने नहीं देते विपक्ष पार्टी आपको। तो आपने अधीर रंजन चौधरी को सुना जो कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता हैं, लेकिन जिस तरीके से लगातार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शासन में वहां पर हिंसा बढ़ रही है, महिलाओं के खिलाफ लगातार हिंसा की घटनाएं देखने को मिल रही है, जिस पर पूरी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन वहीं अधीर रंजन चौधरी अकेले कांग्रेस पार्टी के ऐसे नेता हैं जो ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। और इस तरीके के जो तानाशाही है, इस तरीके का जो गुंडागर्दी का राज है, वो दरअसल बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। अब अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल में बढ़ रही हिंसक घटनाओं को लेकर जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेटर लिखा, तो इस पर बीजेपी की प्रतिक्रिया भी सामने आई और बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं शहजाद पूनावाला, उनकी तरफ से बाकायदा एक्स पर एक पोस्ट किया गया। शहजाद ने लिखा कि इंडी का कहना है कि यह संविधान बचाने के लिए है, लेकिन अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेटर लिखा और टीएमसी को संविधान विरोधी के रूप में उजागर किया, ये साफ तौर पर वो लिख रहे हैं। और ये भी बताया है कि आखिर किस तरीके से कई चीजों का जिक्र उस लेटर में है जिसमें बंगाल में अघोषित आपातकाल है और टीएमसी के कारण बंगाल में अराजकता है, ये बात अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं। नागरिकों को कोई मौलिक अधिकार नहीं, विपक्षी कार्यकर्ताओं पर आतंक और साथ ही निर्दोषों को हिरासत में लिया जा रहा है, मुर्शिदाबाद दंगे वोटों के लिए रचे गए थे, क्या राहुल गांधी अब बंगाल में संविधान के लिए बोलेंगे, क्या अपने ही अधीर रंजन चौधरी को छोड़ देंगे, ये सवाल अब बीजेपी कर रही है। जाहिर तौर पर बीजेपी इसलिए भी पूरे विपक्ष को घेर रही है क्योंकि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी जो है वो इंडी अलायंस का हिस्सा है, तो ऐसे में इंडी अलायंस में कांग्रेस पार्टी भी है और वही कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी पर हमलावर हैं, लगातार उनकी पोल खोल रहे हैं कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में हिंसा का दौर बढ़ रहा है और जलपाईगुड़ी में कांग्रेस कार्यकर्ता की पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है, इसके बाद 5 लोगों की गिरफ्तारी होती है, लेकिन किस तरीके से पुलिस ने ये जानकारी दी है कि मोनिक रॉय को एक पेड़ से बांध दिया गया, लोहे की छड़ों और डंडों से एक ग्रुप ने उनकी पिटाई कर दी, पुलिस के मुताबिक पड़ोसियों के साथ विवाद के चलते उनकी हत्या हुई, लेकिन अधीर रंजन चौधरी का ये साफ तौर पर कहना है कि दरअसल चुनाव वहां पर थे और चुनाव ना भी हो तो बंगाल में इस तरह की अराजकता लगातार देखने को मिल रही है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि नगर निगम चुनाव में हमें वोट देने का मौका नहीं मिला, जबरदस्ती चुनाव टीएमसी जीतती है। अधीर रंजन चौधरी ने यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान केंद्र की ओर से सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई थी, इसलिए कुछ जगहों पर मतदान वहां पर शांतिपूर्वक ढंग से हो गया, लेकिन हम निश्चित तौर पर यह नहीं कह सकते कि हर जगह मतदान शांतिपूर्वक हुआ, विपक्षी कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधियों को जबरदस्ती अपनी पार्टी में शामिल कराया जाता है, अगर कोई उनकी बात नहीं मानेगा तो उन्हें मार दिया जाएगा, जलपाईगुड़ी में हमारे कार्यकर्ता को पेड़ से बांधकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई, बंगाल में शैतान है, ये अधीर रंजन चौधरी ने कहा है।
तो कुल मिलाकर कुछ इस तरह की तस्वीर लगातार पश्चिम बंगाल से सामने आ रही है। जब बीजेपी लगातार ये दावा करती रही कि पश्चिम बंगाल में हिंसक घटनाएं बढ़ रही हैं, पश्चिम बंगाल में मर्यादा तार तार हो रही है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री एक महिला है, लेकिन उसके बावजूद महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न से लेकर अत्याचार के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन पूरा इंडिया अलायंस चुप्पी साधा रहा। अकेले अधीरंजन चौधरी कांग्रेस पार्टी के ऐसे नेता हैं जो ममता बनर्जी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में बढ़ रही इस तरीके की घटनाओं को लेकर, जो ममता बनर्जी के राज में वहां पर जो तानाशाही चल रही है, जिस तरीके से वहां पर गुंडा राज चल रहा है, तो जाहिर तौर पर बीजेपी अब राहुल गांधी से जवाब मांग रही है। हालांकि अधीरंजन चौधरी ने यहां पर केंद्र सरकार की भी तारीफ की और कहा कि उनकी तरफ से जो है फोर्सेस बढ़ाई गई तो ये चुनाव जो है कुछ जगहों पर शांतिपूर्ण हो पाया। वहीं नीति आयोग की मीटिंग में पहुंची मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिस तरीके से आरोप अब केंद्र सरकार पर मर रही है उसको लेकर भी अधीरंजन चौधरी ने बात की और ये सब कह दिया कि ममता बनर्जी झूठ बोल रही हैं, उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है, वो खुद बंगाल में तानाशाही करती हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि ममता बनर्जी को बोलने नहीं दिया जा रहा हो। तो कुल मिलाकर कुछ इस तरीके से लगातार अब पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी के नेता अधीरंजन चौधरी ममता बनर्जी पर बरसे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पश्चिम बंगाल की इस पूरी जो कहीं ना कहीं वारदात वहां पर हो रही है, जो हिंसक घटनाएं हो रही हैं, अब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी हत्या हो रही है, उसको लेकर ये लेटर लिख दिया है। अब क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पश्चिम बंगाल में बढ़ रही हिंसक घटनाओं पर कार्रवाई करेंगी, क्या एक्शन वो लेंगी, ये सबसे बड़ा सवाल है और देखना होगा कि आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। लगातार राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग भी पश्चिम बंगाल में होती रही है, जिस तरीके से लगातार ये घटनाएं पश्चिम बंगाल में बढ़ रही है और महिलाओं पर खासतौर पर वहां पर अत्याचार बढ़ रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।